साफ तौर पर तस्वीर है 275 दिन को लगातार जहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए कई महीने हो गए इनको यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन करते हुए। अभी तक इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी की मांग है वो पूरी नहीं हुई है, तो इनसे बातचीत करते हैं। आश्वासन पे ही आश्वासन इनको मिल रहे हैं। संख्या में महिला भी यहाँ पे आपको दिखा दे गए, हाजरी में महिला भी है। देखिए बहुत कुछ कह दिया है, जिनको ये सुनना तो उन्होंने सुन भी लिया है। अब मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है कि हमारी मांग के लिए सरकार सोचे, और अगर आपने कमेटी बनाई है प्रशासन की तरफ से तो मुझे लगता है अब उनको देर नहीं लगानी चाहिए और जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन बाहर आनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये धरना शुरू किया था तो जून का महीना था और यहाँ पर 45-46 डिग्री टेम्परेचर था अम्बेडकर चौक में, और फिर उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। साल बदला है, मौसम बदला है, हालात भी बदले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन का जो रवैया है वो भी बदलना चाहिए। ये अपने ही कर्मचारी हैं और मुझे लगता है इनके साथ प्रशासन को आज खड़ा रहना चाहिए, और साथ साथ में जरूरत इस बात की भी है कि इनका मनोबल बढ़ाया जाए। अब मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि आज समय है कि प्रशासन जो इनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं उनको रिड्रेस करे। एक तरफ से आप कहते हो कि ये कर्मचारी कश्मीर में जाके ड्यूटी दें, मैं कहता हूं कि हमने कभी नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर में हमने पिछले 15 सालों में वहां सर्विसेज दी हैं, आगे भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसके लिए सरकार को नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी। साथ में जो कर्मचारी उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में नहीं आते हैं उनके लिए रहने का अकोमोडेशन का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि जितने भी कर्मचारी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं रिजर्व कैटेगरीज के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में वहां अपॉइंट हुए हैं, किसी भी कर्मचारी का अपना घर कश्मीर में नहीं है, ना इनके पास कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। और बड़े बदकिस्मती के साथ मैं कहता हूं कि जिन घरों में हम रहते थे बदली हुई परिस्थिति में, उन लोगों को भी आज हमको अपने घरों में रखने में दिक्कत आ रही है। लाजमी सी बात है, अगर मैं किसके घर में रहूंगा और मेरे साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटेगी तो प्रश्न चिन्ह उस पर भी लगेगा जिसके घर में रहता हूं। इसलिए उन लोगों ने हमारा सहयोग और साथ दिया है, आज भी करने को तैयार है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हालात ऐसे नहीं हैं कि हम वहाँ जाकर इस वक्त किसी के घर में ज़बरदस्ती रहें। दूसरी बात, पिछले दिनों हमने एक बड़ा वक्ता भी सुना है, कोई रिलोकेशन की बात करता है, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करता है। मैं आपको बात बोल देता हूँ, जम्मू बेस्ड जितने भी रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ हैं रिलोकेशन इनकी डिमांड नहीं है। हम जम्मू के रहने वाले हैं और कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं, कश्मीर के कर्मचारी हैं। हमारी मांग है प्रशासन से कम 15 साल हो चुके हैं, अब कितना समय अपने घरों से दूर रहना है, कम से कम एक होलिस्टिक व्यू लेते हुए एक कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी सामने आए, ताकि ये कर्मचारी जो पिछले 15 सालों से घरों से दूर थे इनको भी अपने घर में आने का वो बोलते मौका मिले, अपनी सोसाइटी में आने का मौका मिले, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिले। 15 साल एक बड़ा लंबे समय होता है और इस लंबे समय में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। 3 बार देश में सरकार बदल चुकी है, प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। मुझे लगता है कि इन प्रशासन ये जो कर्मचारी हैं इनके जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। आज 275 दिन हो चुके हैं लगातार धरना चल रहा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस समय में इन कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रशासन की तरफ से मुझे लगता है कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, ना ही इनके रहने का कोई वहाँ बंदोबस्त है, ऊपर से सैलरी भी इनकी बंद कर दी गई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर प्रशासन सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा और उनके लिए इन कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई वे आउट निकल सकता है।
साथ में ये भी कहता हूँ, आतंकवाद का जो ये दानव है, इसे लड़ने के लिए शासन प्रशासन, आम नागरिक और पूरी सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि आतंकवाद का कोई दीन धर्म मजहब नहीं होता है। एक इंसान का जो कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और साथ में ये भी कहता हूँ मैं कि वो देश विरोधी ताकतें जो ये सोचती हैं कि ऐसे कृत्य करके वो इन कर्मचारियों का मनोबल तोड़ेंगे, इनको कश्मीर में आने से रोकेंगे या कश्मीर से इनको निकालने की कोशिश की जाएगी, हम ऐसा होने बिल्कुल नहीं देंगे। इस देश की आन बान शान के लिए हम खड़े हैं। उन ताकतों को भी हमारा यहाँ से संदेश है कि आप अपने इन जघन्य अपराधों के करने के बाद आप इन कर्मचारियों का मनोबल नहीं तोड़ सकते। ठीक है, वक्ती तौर पे एक डर भय और फिर साइकोसिस एक व्यक्ति के जीवन में आता है, इन कर्मचारी भी उससे अभी लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मैसेज यहाँ से नहीं जाएगा जिससे ये लगे कि हम जो है कश्मीर को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, हमने कश्मीर में 15 साल तक काम किया है, आगे भी करेंगे। और उन ताकतों को भी हमारा यहाँ से संदेश है कि आप अपने कृत्य में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम देश के लिए आगे रहेंगे, रहते आए हैं और लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं साथ में आपके माध्यम से एलजी साहब से भी ये गुहार लगाता हूँ, कम से कम आपके अपने कर्मचारी हैं, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। होली आने वाली है और उस उपलक्ष्य में एज अ ह्यूमन जेस्चर, एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, अगर इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करता हूँ कि आप इनकी सैलरी को रिलीज कीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी बाहर आए, तब जाके इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और इनको लगेगा कि इस मुसीबत की घड़ी में प्रशासन इनके साथ खड़ा है।